चित्रकूट जनपद में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट इंटर कॉलेज में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा भारत का मानव श्रृंखला द्वारा मानचित्र बनाकर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते चित्रकूट जनपद में चित्रकूट इंटर कॉलेज में जिले के विभिन्न विद्यालयों के स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत का मानचित्र मानव श्रृंखला द्वारा बनाकर मतदान के प्रति जागरूक किया है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से मतदान की महत्वता को बताया है। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा मतदान जागरूकता की थीम पर मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवकों को मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पहले मांग बोल के सभी पार्टी के एजेंटों के सामने किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पे आज यहाँ सीआईसी के प्रांगण में मतदाता दिवस का आयोजन किया गया था। इसमें मतदाता दिवस के अवसर पे एक तो जो हमारे सबसे वृद्ध वोटर्स हैं पूरे जनपद में, उनको सम्मानित किया गया। कुछ दिव्यांग वोटर्स हैं, उनको सम्मानित किया गया। जो हमारे आइकन हैं, दिव्यांग आइकन शंकर गुप्ता जी, उनको सम्मानित किया गया। हमारे कुछ युवा वोटर्स हैं जिनको इस बार पहली बार पुनरीक्षण में जोड़ा गया है, उनको भी हमने सम्मानित किया। और कुल यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से सभी मतदाताओं को यहाँ जागरूक करने का प्रयास किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।